अजवाइन, जिन्हें कैरम सीड्स के नाम से भी जाना जाता है और किचन के मसालों में इनकी एक अलग से इम्पोर्टेंस है। बचपन से ही ये सुनते आए थे कि अगर पेट में दर्द है तो अजवाइन को गर्म पानी के साथ ले लो। बस इतना ही पता था कि अजवाइन पेट दर्द को ठीक करने के लिए होती है। इसके अलावा भी इसके बहुत से फायदे हो सकते हैं, इससे अनजान थे। और फिर जैसे जैसे इसके बारे में जाना तो पता लगा कि ये तो बहुत सारी बीमारियों की दवा अपने में समेटे हुए है। होम रेमेडीज में इसका इस्तेमाल काफी किया जाता है, यानी बहुत सी बीमारियों का इलाज हम अजवाइन के छोटे छोटे बीजों से कर सकते हैं। तो आइए आपको भी इसके बहुमूल्य गुणों की जानकारी देती हूँ, ताकि आप भी इसका फायदा लेते हुए अपनी सेहत का ध्यान अच्छे से रख सके। आई नो इसका पंजट और स्पाइसी टेस्ट हर किसी को नहीं भाता, बट इसके गुण जरूर हर एक के लिए फायदेमंद। इनडाइजेशन, आई मीन बदहजमी भी एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिसके लिए लोग अक्सर परेशान रहते हैं और अलग अलग सिरप्स और टेबलेट्स का सहारा लेते हैं इसे ठीक करने के लिए। अरे भाई, जब आपके किचन में इसका इलाज है तो बाहर क्यों जाते हो? यस, कैरम सीड्स आर एक्सीलेंट टू ट्रीट इनडाइजेशन। इसमें एक केमिकल होता है थायमोल, जो काफी अच्छी मात्रा में होता है और गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करने में मदद करता है, जिससे डाइजेशन का प्रोसेस तेज होता है। यही कारण है कि अजवाइन खाने से बदहजमी से छुटकारा मिलता है, पेट दर्द, पेट में गैस और दिल कच्चा जैसी प्रॉब्लम से भी राहत मिलती है। इसके लिए आप एक टीस्पून अजवाइन गर्म पानी के साथ एज इट इज भी खा सकते हैं, या फिर एक टीस्पून अजवाइन को एक कप गर्म पानी में तब तक उबालें जब तक वो आधा रह जाए, फिर उसे छान कर पी लें। इससे आपको क्विक रिलीफ मिलेगा। छोटे बच्चे, आई मीन बेबीज को भी अक्सर पेट दर्द हो जाता है, उनके लिए भी अजवाइन बहुत फायदेमंद। कैरम सीड्स को कुछ देर के लिए दूध में भिगोए रखें और फिर उन्हें छान कर छोटे बच्चों को पिलाने से पेट दर्द ठीक होता है। अगर खाना ठीक से हजम हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी नहीं रहती। सो कह सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या का भी समाधान है ये कैरम सीड्स। डायरिया और डायसेंट्री का इलाज भी हो सकता है अजवाइन से। इसे पानी में उबालो और फिर छान कर पी लो। क्विक रिलीफ के लिए इसे दिन में 2 बार। ये एक तरह से एंटी एसिड है जो बदहजमी से हमारा बचाव करती है। हाइपर एसिडिटी से परेशान लोग अगर खाने के बाद इसे नमक के साथ गर्म पानी से लेते हैं तो उन्हें काफी आराम मिलेगा। अजवाइन इज बेस्ट इन ट्रीटिंग कोल्ड एंड कफ। अजवाइन को पीसकर एक पतले कपड़े में डालकर पोटली बना लें और उसे फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद सूंघने से बंद नाक खुल जाएगी। एक टीस्पून अजवाइन को चबाकर गर्म पानी के साथ निगल लें। ये चेस्ट से बलगम को क्लियर करने में मदद करेगी और आप चैन की सांस ले पाओगे। अजवाइन की पोटली बनाकर उसे गर्म तवे पर गर्म करें और फिर उस पोटली को छाती पर मले। इससे भी कंजेशन में राहत मिलेगी। अजवाइन को गुड़ के साथ मिक्स कर दिन में 2 बार सुबह शाम लेने से ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए लाभकारी है। अजवाइन में एंटी इंफ्लेमेटरी और एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज के कारण गठिया रोग और जोड़ों की दर्द में काफी आराम मिलता है। इसमें पावरफुल एंटीबायोटिक कंपाउंड होते हैं जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। हल्के गर्म पानी में अजवाइन डालकर अफेक्टेड एरिया को कुछ देर के लिए पानी में भिगोए रखें, या फिर अजवाइन को पीस के उसमें हल्का सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें और अफेक्टेड एरिया पे लगाएं। ऐसा करने से बहुत जल्द आराम मिलेगा। अजवाइन के तेल की मालिश गठिया रोग और जोड़ों के दर्द में काफी फायदेमंद है। किसी भी तरह का दर्द हो, चाहे वो कान का हो, सिर का या दिल का, इन सबसे छुटकारा पाने के लिए अजवाइन एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज बहुत जल्द आराम देती है। कान का दर्द है तो अजवाइन के तेल की कुछ बूंदे कान में डालें, और अगर दिल या सिर का दर्द है तो अजवाइन को गर्म पानी के साथ खा लें। माइग्रेन का दर्द भी बहुत दुखी करता है, ऐसे में अजवाइन की पोटली को तवे पे गर्म करें और सूंघे। ऐसा करने से सांस के साथ फ्यूम्स अंदर जाएंगे और दर्द में आराम मिलेगा। मुंह की दुर्गंध खुद को इतना परेशान नहीं करती जितना के पास खड़े हुए इंसान को करती है। लोग आपसे किनारा न करें, इसलिए अच्छा होगा कि पानी में अजवाइन को उबालें और उस पानी के साथ कुल्ला करें और गरारे करें। इससे आपको दुर्गंध से मुक्ति मिल जाए। किसी तरह का दांत दर्द और छाले होने पर भी रात को खाना खाने के बाद अजवाइन के पानी से कुल्ला करें और गरारे करें। अजवाइन में पाए जाने वाली एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इचिंग, बॉयल्स और एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए बढ़िया मानी गई है। अजवाइन की पेस्ट को अफेक्टेड एरिया पे लगाएं और थोड़ी देर बाद अजवाइन के पानी से ही उसे धो लें।
कीड़े मकोड़े के काटने पर भी अजवाइन की पेस्ट लगाने से आराम मिलता है। स्वेलिंग अगर ज्यादा है तो अजवाइन की पेस्ट बनाते हुए पानी की जगह लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अजवाइन का पानी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल बॉडी क्लींसिंग में हेल्प करता है और ब्लड को प्योरीफाई करता है। ये पानी आंखों को धोने के लिए भी बढ़िया है। हिकअप्स आई मीन हिचकी, अगर हिचकी बंद ना हो रही हो तो अजवाइन को गर्म पानी के साथ लें। अधिक शराब पीने से अगर उल्टियां आ रही हो तो अजवाइन खिलाने से ठीक हो जाएगा। जो अल्कोहल एडिक्शन से बचना चाहते हो वो रात को सोने से पहले अजवाइन का पानी ले। 1-2 महीने रेगुलरली लेने से वो इससे छुटकारा पा सकते हैं। अजवाइन इज गुड फॉर हार्ट ऑल्सो, इसे खाने से नर्व्स रिलैक्स रहती है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है जिससे हार्ट हेल्थी रहता है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पीरियड के दौरान इसे खाना फायदेमंद माना गया है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहना चाहिए, भूख भी लगनी चाहिए और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अजवाइन उनके लिए बढ़िया है और ये बॉडी मसल्स को स्ट्रेंथ भी देती है। अजवाइन की एंटी इंफ्लेमेटरी और हीलिंग प्रॉपर्टीज के कारण माना जाता है कि ये बॉडी को अंदर से ठीक करती है, सूजन को कम कर ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में मदद करती है। बट अगेन क्वेश्चन मार्क्स, अगर आपको इससे एलर्जी नहीं है तो अगर आप अपने हेल्थ एडवाइजर से कंसल्ट करके इसकी क्वांटिटी डिसाइड करते हैं तो, क्योंकि अधिक लेने से नुकसान होने के चांसेस भी हैं। पीरियड्स के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग, पेन और इरेगुलर पीरियड्स में भी आराम देते हैं ये अजवाइन के छोटे छोटे बीज। चेहरे से एक्ने और पिंपल्स के दाग मिटाने के लिए अजवाइन के पाउडर को योगर्ट में मिक्स करके लगाएं और 25-30 मिनट के बाद हल्के गर्म पानी से धो लें। ऐसा बार बार करने से चेहरा साफ हो जाएगा। कैरम सीड्स आर आल्सो यूज्ड टू क्योर सेक्सुअल डिसेबिलिटी प्रॉब्लम्स। अजवाइन को खरीदते हुए इन बातों का ध्यान रखें कि वो वेट में हैवी हो, फ्रेश हो, खुशबू बढ़िया हो और वो एयर टाइट कंटेनर या पॉली बैग्स में पैक्ड हो। मार्केट से इसका पाउडर खरीदने की बजाय बीज ही खरीदें और घर में उन्हें पाउडर करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि अजवाइन में वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं जो हीट लगने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे सब्जी बनाने के बाद ऐड करें या कुकिंग की फाइनल स्टेज पे ऐड करें। लूज अजवाइन खरीदना तो अवॉइड ही करें क्योंकि इसके एसेंशियल ऑयल धीरे धीरे कम हो जाते हैं, इसलिए आप भी इसे घर लाकर एयर टाइट कंटेनर में डालें और उन्हें डार्क, ड्राई और कूल प्लेस पे स्टोर करें। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज हर किसी को सूट नहीं करती, इसी तरह अजवाइन से भी किसी किसी को एलर्जी हो सकती है जिससे हेडेक, स्किन रैशेस, वॉमिटिंग, रनिंग नोज और वीकनेस हो सकती है। जिन लोगों को सूट नहीं करती या जो लोग अधिक क्वांटिटी में खा लेते हैं उन्हें स्टमक अल्सर, कोलन अल्सर और इंटेस्टाइनल अल्सर का रिस्क हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी इन बीमारियों का ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो तो बिल्कुल भी इसे खाने का रिस्क ना ले। जैसे कि अजवाइन ब्लड प्रेशर को लो करती है और क्लॉट नहीं बनने देती, इसलिए सर्जरी से 1 वीक पहले और 1 वीक बाद ना ही खाएं तो बढ़िया, और ना ही इसे ऐसी मेडिसिंस के साथ खाएं जो ब्लड प्रेशर को लो करती हो और स्लो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हो। एक नॉर्मल इंसान 2-3 ग्राम्स अजवाइन डेली खा सकता है। एज और ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग इसकी डोज कम और बढ़ाई भी जा सकती है। जरूरत से अधिक कोई भी चीज नुकसान करती है, सो आप इसे विद इन लिमिट खाएं और कोई भी नेगेटिव रिएक्शन होने पर अपने हेल्थ एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। आप इसके फ्लेवर और टेस्ट को एंजॉय करने के लिए इसे परांठा, पूरी, दालों और सब्जियों में ऐड कर सकते हैं। कुदरत की बनाई हुई हर खाने वाली चीज को अगर थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं तो आपका बॉडी सिस्टम ठीक रहेगा। सो इसे भी थोड़ा थोड़ा खाते रहने से हेल्थ बढ़िया रहेगी। सो खाएं अजवाइन और बने इसके फैन। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।